नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल नहीं हूं, बहुत फीवर है शायद, पता नहीं, चेकअप कराना पड़ेगा क्योंकि अभी डेंगू वगैरह बहुत फैला हुआ है। 3 दिनों से चल रहा हूं फीवर में, लेकिन अभी जो आपके सामने यहाँ पे आया हूँ, अभी मैं आपको पहले टाइम दिखा देता हूँ। और एक पोजिशन है एक्चुअली, 27 सितंबर 2023 हो रहा है, समय 9:12 हो रहा है। तो ये जो SBI कार्ड देख रहे हैं ना, ये एक अच्छा मूवमेंट में खुल रहा है, ऊपर की साइड में 8.65 रुपये पे खुल रहा है, 8.65 रुपये गैप के साथ खुल रहा है, यानी कि 1% से ज़्यादा का गैप खुल रहा है। मेरे पास ना एक कॉल ऑप्शन है इसका, SBI कार्ड्स का तो कॉल ऑप्शन का मैं पोजिशन कट करूँगा और इसका ट्रेडिंग बंद करूँगा, क्योंकि SBI कार्ड का मैंने 790 का कॉल ऑप्शन लिया हुआ था बस इसको हटा के बंद कर दूंगा, उसको काटूंगा, जो भी होगा प्रॉफिट लॉस। और आज एक्सपायरी है ना बैंक निफ्टी का, तो अभी देखिए ये 2320 आपको लॉस दिखा रहा है। एक्चुअली ये ऊपर खुल रहा है, लॉस नहीं है, ये ऊपर खुल रहा है। मेरे पास 2 लॉट है ना, तो जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा मैं दोनों ही पोजिशन कट करूंगा, मतलब एक ही पोजिशन है, यही पोजिशन है, आप देखें है ना। तो एक पोजिशन है हमारे पास, अभी हम देखते हैं इसी में जो भी पोजीशन। अब कल मैं इसको डिलीवरी लिया था, कारण कि इसकी जब चार्ट मैंने देखा तो मैं ये देख रहा था कि काफ़ी दिनों से ये स्टॉक्स डाउनफॉल में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए मैं इधर फायर्स भी खोल देता हूँ ताकि चार्ट देख सकूँ और इधर ट्रेड कर सकूँ। तो मोबाइल में भी खोल के इधर रखा, बस इसको काटूंगा पोजिशन 1% वाला जो है ना, हो सकता है 1% से ज़्यादा मिल जाए। कल वाला में तो आपको पता ही है कि कॉस्ट टू कॉस्ट हमारा काम हो गया था। इसके टारगेट ये 795 में खुल रहा है, कल मैंने आप लोगों को 795 के बारे में बोला भी था कि 788 के ऊपर निकलेगा तो 795 तक के टारगेट दे सकता है, दिया है। अगला टारगेट होगा वो 800 वाला होगा, 800 वाला, यहाँ तक अगर आता है तो अच्छी बात है, मैं खुलते के साथ जो है इसको निपटा दूंगा, इसका प्रॉफिट मैं बुक कर लूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अभी समय 9:14 हो रहा है और 9 सेकेंड अभी देखते हैं SBI कार्ड। चलिए यहाँ पे आ गया 790 का, इधर मैं कर लेता हूँ इसको चार्ट, इधर देखेंगे। और ये SBI कार्ड अभी देखिए समय 9:14:26 है, मार्केट ओपन होगा, देखते हैं ये कॉल ऑप्शन में कितना प्रॉफिट आता है या कितना लॉस होता है, बस इसको काटेंगे और रेस्ट करने चले जाएंगे। चलिए चार्ट खुला है, ठीक है, मैं निकालना चाहूंगा इसको, मैं निकालता हूँ अभी। देखिए प्रॉफिट जो भी होगा, ऊपर खुलेगा तो इसका मतलब प्रॉफिट तो खुलेगा ही ना, और ये खुल गया है ऊपर, अभी देखते हैं। अभी ये अपडेट नहीं हुआ है, यहाँ पे आप देखिए 795 पे खुला तो 793 हो गया आपका SBI कार्ड। देखिए ये 400 का प्रॉफिट, यानी कि जो लॉस था वो लॉस भी हट गया, अब 400 का प्रॉफिट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और अब इसको मैं यहाँ से काट लूंगा और काट के इसको बंद कर देता हूँ। एक अच्छा पोजीशन चल रहा है, 6.15 रुपये, 793 के आसपास ट्रेड हो रहा है SBI कार्ड, गया तो ठीक, ऊपर 800 तक जाएगा तो 5 पॉइंट यहाँ से मिल सकता है। तो वेट कर लेते हैं। समय दोस्तों 9:19:13 हुआ है, तो देखिए 1840 का प्रॉफिट हो गया, तो मैंने कहा ही था कि वो 788 के ऊपर निकलेगा तो आपको 795 से 800 तक के टारगेट देगा। देखिए 4480 का प्रॉफिट हो गया, टोटल MTM आ गया, 4480 का प्रॉफिट चल रहा है तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट अभी बुक करूंगा तो आ जाएगा 4480 का प्रॉफिट।
एक अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप चार्ट देखें तो ये बहुत अच्छी तेजी से ऊपर की तरफ भाग रहा है, 798 तक का इसने हाई भी मारा है। तो देखिए अपना प्रॉफिट अब मैं बुक कर लेता हूँ और आपका आज का काम हम लोग फिनिश कर लेंगे। 4160 पर है तो इसको मैं बुक कर लेता हूँ, एक अच्छा प्रॉफिट बन रहा है नो डाउट। 3760 थोड़ा सा 3840 मुझे लग रहा है ये 800 के ऊपर अगर ये निकालता है तो 805 तक जा सकता है। आज का लेवल 805 होगा। समय ऐसे 9:20 हुआ है कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैं कॉल्स वगैरह नहीं दे पाऊंगा, इसके वजह से मैं माफी चाहूंगा दोस्तों। ठीक है, ये ऊपर आज का हाई है 798 का एग्जैक्ट हाई लगाया है। चलिए कल ही मैंने दिया था इस पे और कहा था कि 788 के ऊपर अगर ये निकलेगा तो एक मोमेंट बनेगा 708, और ये कल निकाला तो 792 तक हाई भी गया था बहुत ही शानदार तरीके से। तो वेट करते हैं थोड़ा, देखिए अगर ये अपने हाई को ब्रेक करता है 798 को तो 800 और 805 इस एरिया तक जा सकता है। अभी सस्टेन कर रहा है उसी जगह पर, कोई ऐसे दिक्कत नहीं है। और 798 पहली कैंडल है वो 798 का, मैं इधर थोड़ा सा मोबाइल में चेक कर लूँ। ठीक है, ऐसे कोई खास दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट में ही है, 4160 का प्रॉफिट है। अभी इसको काटूंगा तो 4160 आ जाएगा यहाँ, और जैसे ही अपने हाई को ये ब्रेक करता है ना तो फिर ये 805 तक जाएगा, तो मुझे 5 पॉइंट और मिल जाएंगे तो मैं बुक करूँगा। मुझे लगता है 10 रुपये के आसपास में प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए, 10 रुपये के आसपास। तो चलिए देखते हैं और इसके चार्ट पर आते हैं और उसका एक टारगेट लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए 1796 को ब्रेक कर रहा है, 796.30 का ये चल रहा है। जैसे इसको ब्रेक करेगा तो ये मुझे 10 रुपये तक ले देगा, 2000 का इधर अभी चल रहा है और उधर जो मेरा होल्डिंग है एवं रखा हुआ उसमें 4800 का प्रॉफिट हो गया है ना। तो ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है। और यहाँ आ गए ये ब्रेक कर रहा है 798 को ब्रेक करेगा तो मुझे प्रॉफिट, एक लॉट में यहाँ पे दो लॉट है ना तो एक लॉट में निकाल देता हूँ, ठीक है ना, दो लॉट है तो मैं एक लॉट को यहाँ पर एग्जिट कर जाता हूँ। 7.50 चल रहा है ना, मैं एक लॉट यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा लिमिट में 7.50। इसने हाई लगाया 80 का, 7.75 का मैं 80 का ही हाई लगाता हूँ, 7.80 या 8 रुपये लगाता हूँ। एक लॉट मैंने 8 रुपये में निकालने के लिए रखा है, ठीक है, मुझे लगता है दे देगा 8 रुपये तक, 50 पैसे का तो और मूव करना है। टोटल 5360 रुपये का चल रहा है प्रॉफिट, 5600 हो गया इधर, और एक लॉट निकले 7.65 हो चुका है, 35 पैसा और ऊपर मूव करेगा तो मुझे 8 रुपये वाला टारगेट मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये अच्छा मूव कर रहा है ऊपर, जैसे ब्रेक करेगा ये पहली कैंडल के हाई को ना तो वो मेरा 8 रुपये वाला टारगेट अचीव हो जाएगा। हाँ हो गया, देखिए 8 रुपये पहुंच गया, ये 8 रुपये का इसने हाई मार दिया है, देखिए अभी प्राइस 8 रुपये आ चुका है, ठीक है, तो ये मेरा ट्रिगर हो गया होगा, नहीं हुआ है तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए हो गया, होगा एक ऑर्डर ट्रिगर हो गया, तो जो प्रॉफिट है मेरा 2960 रुपये का इधर है और अभी 1560, एक लॉट मेरा बुक हो गया है, अभी देखते हैं। चलिए वेट करके चलते हैं, अभी इसमें 1560 जो है ना, 2960 और 1560 चल रहा है, 1560 1680 बुक कर लिया, 2960 है बैलेंस, अब ये 1900 इधर आ जाएगा अगर इसको काटते हैं तो। तो एक अच्छा प्रॉफिट चल रहा है, बढ़िया प्रॉफिट चल रहा है और हाई लगा दिया, देखिए 8.30 का अभी आपके सामने में चार्ट है, मैं मोबाइल में देख रहा हूँ एक्चुअली, है ना, तो 8.30 का हाई लगाया रखा है। देखिए ये 800 रुपये को ब्रेक किया ना ऊपर, हाई मारा है 799.50, है ना, तो इसलिए वो 8.30 चला गया, देखिए जबरदस्त है ना, यहाँ 8.30
तो इस तरह से ये जा रहा है बहुत अच्छे तरीके से, कहीं कोई दिक्कत प्रेशर वाली बात नहीं। तो मैं यहाँ से एग्जिट कर जाऊँगा दोस्तों, है ना, क्योंकि हमारा काम हो गया है, 9 रुपये तक आ गया। तो मैं एक टारगेट लगा देता हूँ 9 रुपये 65 पैसा का, 9 रुपये 65 पैसा का टारगेट लगाता हूँ। 9.55 आस्क दे रहा है यहाँ, मैंने 10 पैसे और ऊपर कर दिया है, अभी 9.25 चल रहा है प्राइस। देखिए ऑर्डर कंफर्म हो गया, निकल गया ऑर्डर मेरा, 9 रुपये 65 पैसा लगाया ना, निकल गया। तो टोटल जो प्रॉफिट दिख रहा है ना, वो दिख रहा है, चलिए चेक करते हैं, 4672 रुपये का प्रॉफिट हमारा हो गया। तो देखिए काम हो गया एक्चुअली ना, मैं इसको भी एक्सेल में यहाँ पे मेंटेन कर लेता हूँ। देखिए मैंने ट्रेडिंग नहीं किया, मैं आपको साफ बता दूँ, ये कल मैंने डिलीवरी लिया था एनालिसिस के बेस पर, लॉस भी होता तो मैं आपको दिखा देता, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं था, उसके टेंशन नहीं लेना आपको, है ना। और सैलरी फॉर कॉमन मैन, आज ट्रेडिंग मैंने नहीं किया दोस्तों, मैं बता दूं साफ सुथरा, इसमें ये नहीं कि भाई प्रॉफिट हो रहा है तो दिखा रहा है, कल लॉस भी तो हुआ था तो दिखाया था ना, है ना। कल ये SBI कार्ड है ना, इसमें मुझे 550 का लॉस हुआ, लेकिन आप लोगों को प्रॉफिट बना होगा, पता है क्यों? क्योंकि आपने उस प्राइस के ऊपर लिया होगा, 788 के ऊपर में, इसलिए प्रॉफिट हुआ। मैंने 2 पॉइंट पहले नीचे ले लिया था तो उसका पनिशमेंट मुझे मिला, मेरे 550 का लॉस हुआ, है ना। खैर कोई दिक्कत नहीं, उसको अभी मैंने कवर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो एंट्री प्राइस हमारा, एंट्री प्राइस मैं बता दूँ, 5.90 रुपये पर एंट्री लिया था और एग्जिट किया है मैंने इसको लगभग लगभग एवरेज प्राइस 8.82 रुपये, एक ऊपर गया था तब लिया था ना, इसलिए एवरेज कम हो गया और प्रॉफिट हो गया हमें 4672 रुपये का। क्वांटिटी लगभग 1600 क्वांटिटी था, यानी दो लॉट थे, 800 का लॉट होता है, तो यह पूरा काम हो गया। तो 50,000 लगा के अभी हम लोगों ने ट्रेड करना स्टार्ट किया है, टोटल लमसम कितने हो गए, 11,136 रुपये का प्रॉफिट हो गया। और आपको पता है ये जो प्रॉफिट बना इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग होल्डिंग उठा लेंगे, क्या जो डिलीवरी के चल रहा हो। तो अभी देख रहा हूँ कि कौन सा स्टॉक्स हमारा नीचे है, मैं आज दूसरा स्टॉक्स लूंगा। एक मिनट दोस्तों, कॉपी मैंने नोट किया था, एक मिनट। तो यहाँ पे मैंने एक स्टॉक उठाऊंगा, ऐरान करके है, ऐरान, ठीक है, मैं उसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, ऐरान। देखिए 4672 बनाना, ऐरान, ऐरान हुआ, ये आएगा स्टॉक, इसको ऐड कर देता हूँ। मुझे लेना है, अभी का प्राइस कितना चल रहा है, 27.40 चल रहा है ना, नहीं लेना, एक इसके जगह पे दूसरा स्टॉक उठा लेता हूँ, JSW एनर्जी, पांच ही क्वांटिटी आएगा तो पांच ही लेंगे, 10 आएगा तो 10 लेंगे, 440 चल रहा, मुझे लेना, ठीक है, ऐसे कोई खराब नहीं है। तो इसमें से मुझे कौन सा स्टॉक उठाना है ये देखना है, ऐरान उठाना है कि यही दोनों में से कोई ऐड करना है। एक बार मैं चार्ट देख लूँ, देखिए मार्केट होल्ड वैल्यू इसमें 25-87, मार्केट वैल्यू इतना 46 है लगभग, ठीक है। तो मैं ऐरान को उठा लूँगा, 29 रुपये पर भी ऐरान चल रहा है, 29 पर एक्चुअली, सॉरी 27 पर एक्चुअली, मुझे इसको 29 रुपये के ऊपर अगर ये निकलेगा ना तो अच्छा है, नहीं तो लोचा है। JSW एनर्जी कैलकुलेटर, इसके लिए तो कैलकुलेटर उठाएंगे। और 4672 का प्रॉफिट हुआ है, तो 4600 का, 4000 का ही मानता हूँ, 4000, और ये चल रहा है 440 JSW, 9 क्वांटिटी ले सकता हूँ। तो चलिए मैं ऐड करता हूँ यहाँ पर, JSW एनर्जी को मैंने बाय किया, 9 क्वांटिटी और CNC में लूँगा 440.70 पर, ऑर्डर लगा दिया। तो ये ऑर्डर कंफर्म भी हो गया, आप यहाँ पे देखिए मेरा पोजीशन में आ गया होगा JSW एनर्जी। तो ये मैंने 9 क्वांटिटी ऐड कर दिया इसमें, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इसी पैसे से हमने क्या बना लिया, हमने इस पैसे से ऐड किया है JSW एनर्जी, कितना क्वांटिटी, 9 क्वांटिटी लिया, ठीक है ना। बस पैसा लगाया हुआ इन्वेस्ट, मतलब जो कमाया उसको आप इन्वेस्ट कर दिया, यानी पैसा बढ़ना शुरू हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अभी खत्म हो गया दोस्तों ट्रेड हमारा, कोई भी ट्रेड नहीं है, बंद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, माफी चाहूंगा, कोई कॉल्स नहीं दे पा रहा हूँ मैं, माफी चाहूंगा, क्योंकि दम देख रहे ना, मेरा आँख और ये तो स्क्रीन भी देखने में दिक्कत हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।